गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ डॉक्टर के गुप्ता, आई एम एसोसिएट प्रोफेसर इन फिजिक्स इन आर डी गर्ल्स कॉलेज भरतपुर। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के स्टूडेंट्स को फिजिक्स में चलने वाले पेपर्स के बारे में, उनके पेपर पैटर्न के बारे में और किस तरह से क्वेश्चन आएंगे अपने फर्स्ट लेक्चर में, ये आपको बताएंगे। महाराजा सूरजमल ब्रज विश्वविद्यालय में बीएससी पार्ट थर्ड फिजिक्स में तीन पेपर चल रहे हैं। फर्स्ट पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी, क्वांटम यांत्रिकी तथा स्पेक्ट्रमिकी। सेकंड पेपर इज न्यूक्लियर एंड पार्टिकल फिजिक्स, न्यूक्लियर तथा नाभिकीय तथा कण भौतिकी। एंड थर्ड पेपर इज सॉलिड स्टेट फिजिक्स। इसमें जो पेपर पैटर्न है ब्रज विश्वविद्यालय ने जो डिसाइड किया है वो सिलेबस के अकॉर्डिंग इस तरह से है कि आपका टोटल सिलेबस तीन पेपर्स में डिवाइड है। फर्स्ट पेपर 33 मार्क्स का होगा, सेकंड पेपर 33 मार्क्स का होगा, थर्ड पेपर 34 मार्क्स का होगा। इस तरह से आपके तीन पेपर 100 मार्क्स के और 50 मार्क्स के आपके प्रैक्टिकल एग्जाम, तो एक पेपर इस तरह से आपका 450 यानी 450 मार्क्स का होता है। जो क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे सिलेबस में वो इस प्रकार से है कि आपको पांचों क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द फाइव क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन कंटेन 12 पार्ट्स। पहले प्रश्न में 12 क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन होंगे, जिनमें से फर्स्ट और सेकंड पेपर में आपको 9 क्वेश्चन करने हैं, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा। थर्ड पेपर चूंकि 34 मार्क्स का है तो इसलिए इसमें आपको 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं। बाकी के जो चार क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4 एंड 5, इसमें आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, यानी ए पार्ट उसके दो पार्ट होंगे अथवा बी पार्ट उसके दो पार्ट होंगे। ए और बी में से आपको कोई भी एक करना है। यहां ये चीज ध्यान रखनी है कि आपको मान लीजिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसका एक पार्ट कर लिया और अथवा के बाद इसका सेकंड पार्ट कर लिया, तो उसमें से एग्जामिनर के पास चॉइस है कि वो किसी भी एक को क्रॉस कर दे, क्योंकि आपको या तो ये दोनों पार्ट करने हैं या ये दोनों अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, यही पैटर्न बाकी के तीनों क्वेश्चंस में भी आपको फॉलो करना है। इस तरह से ये आपके पेपर और उसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा। मैं सबसे पहले आपको फर्स्ट पेपर स्टार्ट करूंगा। उस फर्स्ट पेपर में क्वांटम मैकेनिक्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी है। इसके लिए मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप किसी भी ऑथर के ले सकते हैं। एक चीज मैं यहां और बताना चाहता हूं कि ब्रज विश्वविद्यालय ने जो सिलेबस तैयार किया है उस सिलेबस में हर एक पेपर को 4 यूनिट्स में डिवाइड किया है। तो क्वांटम मैकेनिक्स की जो फर्स्ट यूनिट है, फर्स्ट पेपर है उसमें आपकी फर्स्ट यूनिट है इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स, सेकंड यूनिट है श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन एंड इट्स सॉल्यूशन, थर्ड इक्वेशन इज श्रोडिंगर्स वेव इक्वेशन फॉर स्पेशियल केसेस एंड फोर्थ यूनिट इज हाइड्रोजन एटम एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो इसमें ये फर्स्ट थ्री यूनिट तो आपकी क्वांटम मैकेनिक्स की है और जो फोर्थ यूनिट है वो आपकी स्पेक्ट्रोस्कोपी की है। इस तरह से आज मैंने आपको किस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होगा पेपर्स का, किस तरह से आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करनी है, ये सब बताया है।
कल मैं अपने लेक्चर में आपको क्वांटम मैकेनिक्स की फर्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम बताएंगे कि क्वांटम मैकेनिक्स का आविष्कार कैसे हुआ, किन परिस्थितियों में क्वांटम मैकेनिक्स का आविष्कार हुआ। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि सन 1900 से पहले न्यूटन वॉज द गॉड फादर इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, लेकिन इसके बाद बहुत सारी चीजें ऐसी आई जो नए नए इन्वेंशन होते गए और क्लासिकल मैकेनिक्स में, या कहें हम चिरसम्मत यांत्रिकी में, उनके जवाब नहीं थे। तो ये सब हम इवोल्यूशन ऑफ क्वांटम फिजिक्स में कल पढ़ेंगे। थैंक यू।